नाम वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। रे जन उथार दबे ओहो, सुत्या गई विहाए। सत गुर का शब्द सुनना जागे ओ, अंतर ना उपजे चाओ। रे जन उथार दबे ओहो, सुत्या गई विहाए। सत गुर का शब्द सुनना जागे ओ, अंतर ना उपजे चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाए। जगत जलंदा डिठ मैं, हम मैं दूजे पाए। नानक गुर सरनाई उबरे, सच मन शब्द ते आए। जागत जलंदा डिठ मैं, हों मैं दूजे पाए। नानक गुर सरनाई उबरे, सच मन शब्द ते आए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सतसंगत जी, आप धनता दे योग हो। हर रोज दी तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो प्राप्त हुए पावन पवित्र मुख वाक दी कथा विचार सांझी करन वास्ते गुरुद्वारा मंजी साहेब दीवान हाल श्री अमृतसर साहब जी विखे देश विदेश अंदर अपने घरां विच सो जुड़ बैठे हो। दीन दुनिया दे मालक जगत जलंदे दे रखियक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे प्रकाशमान होके अज दा ए पावन पवित्र मुख वाक साहिब सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी अते धन श्री गुरु रामदास पातशाह जी दी रसना द्वारा आपां नूं बख्शिश कीता है।
ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਥਾਰਾ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੇਦੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਥਾਰੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉਥਾਰੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੜੀਆਂ ਮੱਠਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਥਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਉਥਾਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਹੱਥ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ,
पर बाहर ओदी आवाज आउंदी नहीं। कई बार जदों मनुख सुता पिया वरड़ाउंदा है ते लागदे सुते हुए दी जाग खुल जांदी है, ओ फिर उनू हिला के उठाउंदा भी तेनू की होया है, तू बरड़ाई जाना है। सतसंगत जी, भगत कबीर साहब जी ने भी बाणी दे विच दर्शाया, कबीर सुपना हूं बरड़ाए कै जेह मुख निखसा राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। भगत जी कहंदे बरड़ाउणा सफला है जे सुपने दे विच बरड़ा के मनुख परमेश्वर दा नाम लेंदा है, तां उहदा बरड़ाया सही है, सफला है। ते जेड़ा सुपने विच बरड़ा के भी परमेश्वर नूं याद करदा है, भगत जी कहंदे मेरे शरीर दा जेड़ा चम है इहदा जोड़ा बन के उहदे पैरी पवे ते मैं समझांगा मेरा शरीर सफला है। तो सतसंगत जी, सतगुरु पातशाह जी ने एक तां इस उथारे दे रोग दा जिक्र कीता है और दूसरा गरीब नवाज सतगुरु पातशाह जी ने जीव इस्त्री बारे दर्शाया है कि जेड़ी जीव इस्त्री गुरु शब्द नाल जुड़ गई, होमे तो रहत होई, ओ जीव इस्त्री शोभावंती है। और ओदे अगे लक्षण भी दर्शाए ने कि वो सदा मालक दी रजा विच चलदी है, ओदे हुक्म विच चलदी है, उहदे साधना दा कीता होया शिंगार भी सफला है और प्रभु परमेश्वर ऐसी जीव इस्त्री नू अपने नाल सदा मिला लैंदा है। पौड़ी दे विच धन गुरु रामदास जी ने उहनां लोकां दा जिक्र कीता है जेड़े गुरु धारण करके ते फिर अपने गुरु नूं छिपाउंदे ने, अपने गुरु दा नां ही नहीं दसदे। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ओ मनुख बुरे लोक हन, उन्हां दा नाम लैणा भी माड़ा है जेड़े गुरु धारण करके ते फिर अपने गुरु नूं गुप्त कर लैंदे ने, गुरु दी वडियाई नहीं करदे। इस करके हजूर ने जिक्र कीता गुरसिखां कै मन भाम दी गुर सतगुर की वडियाई। गुरसिखां दे मन नूं चंगी लगदी है पूजनीक सतगुरु पातशाह जी दी कीती होई वडियाई। असल दे विच सिख उही है जिहड़ा अपने गुरु दी वडियाई करदा है ते जिहड़ा अपने गुरु नूं लुका के छिपा के रखदा है, सतगुरु जी कहंदे ओ बुरा है।
अगे उहदे कोई चिन्ह भी दसे ने, पर आखीरली पंक्ति विच सतगुरु जी ने अरदास बेनती भी कीती है भी हे सतगुरु कृपा करके मेरा मिलाप उस प्रभु दे नाल करवाओ। ये सतगुरु पातशाह जी ने अज दा पावन पवित्र हुक्म आपां नूं बख्शिश कीता है, जिस दी आपां सारिआं ने रल मिल के विचार करनी है। अते नाल ही साध संगत जी, अज सरदार हरी सिंह नलुआ उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। आपा हुक्मनामे दे नाल नाल सरदार हरी सिंह नलुआ उन्हां दे जीवन बाबत भी विचार करांगे। आओ मन बिरतियां नूं एकागर करके सतगुरां दे पावन पवित्र मुख वाक दी कथा विचार सांझी करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। साहिब सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी दा उचारण किया होया ये श्लोक, इस तो अगला श्लोक भी गुरु अमरदास पातशाह जी का है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 651 ते सुभाए मान है। रे जन उथारे दबे ओहो। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कथन करदे ने, रे जन हे भाई तैनू उथारे दे रोग ने दबिया होया है। कोई मनुख सतगुरु जी दे पास आया, आके बेनती करदा महाराज मैनू दब्बा पै जांदा है, मैं बड़ा उपचार कीता है, मैं इहदा बड़ा इलाज करवाया है, पर मैनू कितों आराम नहीं आया, आप मेरे ते कृपा करो। ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मित्रा तैनू किसी भूत प्रेत ने नहीं पकड़िया होया, तैनू ते उथारे दा रोग है, उथारे दे रोग ने तैनू दबिया होया है, जिस करके तू समझदा है कि मैनू कोई दबा लेंदा है। और साध संगत जी इस तरह मोह रूपी उथारे दे रोग ने जीवां नूं दबिया होया है। मनुख दे माड़े संकल्पां ने अथवा संकल्पां रूपी उथारे दे रोग ने इस जीव नूं दबिया होया है। जेड़े दिने माड़े संकल्प चितवदा है, कई वार उह सुपने विच भी आ जांदे ने, ते समझदा मैनू दब्बा पै गया है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने, हे भाई तैनू एक तां उथारे दा रोग है, तू इहदा इलाज करवा हकीमां दे पासों, और दूसरा जेड़ा संकल्पां दा मोह आदक दा उथारा है ना, इहदा इलाज है गुरु दा शब्द। उथारे दा रोग
वैद की दवाई ना लड़दा है। मोह रूपी संकल्पा रूपी उथारे दा रोग ये गुरु दे शब्द नाल हटदा है। गुरु दा शब्द जपया सत्संग जी मोह रूपी उथारे दे रोग तो जीव दा छुटकारा हुंदा है। सुत्या गई विहाए सतगुरु पातशाह जी कहंदे अविद्या दी गाढ़ी नींद विच सुत्या तेरी जिंदगी रूपी रात बतीत हो गई है। सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो सतगुरु पातशाह जी दा शब्द आवाज सुन के भी तू जागया नहीं, तेनू जाग नहीं आई। अमृत वेले गुरु का वजीर स्पीकर ला के आवाज देंदा है, अमृत वेला है, उठो, इशनान करो, नितनेम करो, बाणी पढ़ो, गुरु चरणा विच आओ। सतगुरु पातशाह जी आवाजा मारदे ने उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर आराधे, पर ये जीव अविद्या की गाढ़ी नींद विच सुता होया है। सतगुरु का शब्द सतगुरु की आवाज नू सुन के भी जागया नहीं। अंतर ना उपजियो चाओ सतगुरु पातशाह जी कहंदे एदे अंदर एदे हिरदे विच चा पैदा नहीं होया, ना अमृत वेले उठन दा चा पैदा होया, ना अमृत छकन दा चा पैदा होया, ना नितनेम करन दा चा पैदा होया, ना गुरु की संगत विच आउन दा चा पैदा होया, ना सेवा करन दा ही चा पैदा होया। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ऐसी गाढ़ी अविद्या दी नींद विच सुता होया है, एदी जिंदगी बतीत हो रही है, सतगुरु की आवाज सुन के भी उठता नहीं, जागता नहीं, ते एदे अंदर गुरु प्रति चा पैदा नहीं हो रहा। शरीर जलो गुण बाहरा धन गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे ओ शरीर सड़ जावे जेड़ा गुणा तो बगैर है। शरीर जिस विच गुण नहीं, सतगुरु जी ने गुरबाणी विच दर्शाया है। हजूर कहंदे ने गुण अवगुण समान है। सतसंग जी जिथे शरीर दे विच चंगे गुण हन उथे अवगुण भी हन। जिथे कमल दा फुल बड़ा सोहना है ना, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सतगुरु जी कहंदे ओ शरीर सड़ जावे जेड़ा पारे उपकारी नहीं। गुण दा अर्थ विद्वाना ने पारे उपकार भी कीता है। जेड़ा किसी गरीब की बाह नहीं फड़दा, किसी गरीब दे उत्ते तरस नहीं करदा, सतसंग जी सतगुरु जी कहंदे ओ शरीर दा की फायदा है, ओ शरीर सड़ जावे। जो गुर कार ना कमाए सतगुरु पातशाह जी कहंदे गुण केड़ा होना चाहिदा शरीर विच, गुरु दी सेवा कमाउण दा, सिमरन करना ते सेवा करनी। जेड़ा शरीर गुरु दी कार नहीं करदा, सिमरन भजन नहीं करदा,
सतसंगा जी सतगुरु जी कहंदे हो शरीर सड़ जावे जां गुर कहे उठ हो मेरे भाई बह जाहे कुसर बगलारे जां जदों गुरु साहब जी आवाज देंदे ने पी उठो मेरे भराओ ते सतगुरु पातशाह जी कहंदे बह जाहे कुसर बगलारे